हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और हमें उसमें खुश रहना चाहिए। खुशी और दुख साथ में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज खुशी का दिन है क्योंकि आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ एक नेक बैंड का। तो ये नेक बैंड, यही नेक बैंड का रिव्यू मैं क्यों लेकर आया हूँ, उसके पहले मैं आपको नेक बैंड के बॉक्स की फ़ोटो दिखा दूं, जो कि मैं बहुत अच्छे से हर हमेशा दिखाता हूं कि आपको नेक बैंड के बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको नेक बैंड के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि सारे फंक्शनलिटी क्या क्या इसमें हैं, क्या क्या इसमें प्रोस हैं, क्या क्या कौन से, वो बाहर ही दिख जाएंगे आपको। आप बाहर ही डिस्कस कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये ईयरफोन लेना है कि नहीं। तो रियलमी का बड्स वायरलेस 3 क्यों? सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये अभी लॉन्च हुआ है 2023 में, और इसके पहले अभी जो बड्स लॉन्च हुआ है वो एक वन प्लस का नेक बैंड लॉन्च हुआ है, जो कि नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ आता है और उसकी प्राइस भी ज़्यादा है और उसमें कुछ ऐप कंट्रोल भी नहीं दिया गया है। तो ये मुझे इसके कॉन्स लगते हैं। बाकी इसके प्रोज तो बहुत सारे हैं, कॉन्स मैं आपको बता देता हूँ, नहीं बताऊँगा अभी, पहले प्रोज ही बताऊँगा। और हाँ, कोई ये वीडियो कोई मतलब किसी के थ्रू पैसे नहीं दिए गए मुझे किसी कंपनी ने, मैं खुद ही रिव्यू करता हूँ, ठीक है? जो मेरे पास प्रोडक्ट आते हैं मैं उनका रिव्यू कर देता हूँ बस, ओके। तो ये मेरी कोई स्पेशल कंपनी नहीं है। इसके पहले मेरे पास था वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2, जी हाँ, ये वाला ईयरफोन था। ये वाले ईयरफोन मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ये वाले ईयरफोन की क्वालिटी, कॉल क्वालिटी अच्छी थी, इसमें फ्रेजाइल नहीं था ज़्यादा, ये बहुत अच्छे थे, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी थी वो भी बढ़िया थी, और साथ ही साथ इसमें जो बड्स वगैरह थे ये भी अच्छे से कान में अच्छी तरह से फिट हो जाते थे। और साथ में अगर इसको रेटिंग दूँ तो 5 में से 4.6 दूंगा, क्योंकि इसकी कॉल क्वालिटी अच्छी थी और बेस अच्छा था। इसके पहले जो वन प्लस के वायरलेस बड्स Z, जो Z2 हैं, ये Z1 थे, जो मतलब Z नाम से आते थे, उनमें कॉल क्वालिटी और माइक क्वालिटी दोनों बढ़िया थी, और जो कि इसमें भी देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसको देखें रियलमी के बड्स वायरलेस 3 को, तो इसमें भी आपको कॉल क्वालिटी और म्यूज़िक की क्वालिटी बहुत बढ़िया बेटर मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ कंपनी नया नया करती रहती हैं आए दिन। और इसके पहले मैंने एक रियलमी के लिए थे, उनका नाम मैं भूल चुका हूँ, वो थोड़े से हायर रेंज में थे, तो उनकी भी कॉल क्वालिटी अच्छी थी और उसमें भी ऐप कंट्रोल पहले से दिया हुआ था। तो ये रियलमी की ये अच्छी चीज़ मेरे को लगती है। और साथ ही साथ इसमें 40 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा, और बाकी मैं इसकी डिटेल्स आपको अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपको इसका बॉक्स दिखा के, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बजाय कि आपको कोई कुछ और दिखाऊँ या फिर अपने मुँह से कुछ बताऊँ, इसके बजाय मैं आपको बॉक्स दिखा दूँगा और इसकी बुकलेट दिखा दूँगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ा जाता है और आप देखिए बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, आप खुद देख लीजिए अपनी आँखों से। अब मैं क्या बताऊँ, इसके फीचर्स भी आपको मैं यहीं बताता चलता हूँ। और हाँ, आपको मैं इसके साथ ऐप का रिव्यू भी देता हुआ चलूँगा कि जिसके साथ जो ऐप आती है वो ऐप किस तरह से वर्क करती है और उस ऐप के क्या क्या आपके एडवांटेजेस हैं। जैसे कि आपके हेडफोन सोनी है वगैरह के हेडफोन्स रहते हैं XM4 या XM3, तो उनमें भी इनबिल्ट ऐप आती है। तो ऐप का फीचर जो है, ऐप के थ्रू कंट्रोलिंग का फीचर बहुत ही शानदार है, और इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी साथ में आपको दिया हुआ है। ज़्यादा ही बढ़ाई कर दी मैंने, फ्री में दिया होता प्रोडक्ट तो और बढ़ाई करता, लेकिन क्या करें, खरीदा हुआ है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो आगे। तो बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं चलिए देख लेते हैं। राइट साइड में इसमें जो लोगो दिया हुआ है, रियलमी लिंक के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि आप रियलमी इंक की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर, भी आप रियलमी लिंक लेंगे तो ऐप मिल जाएगी। इसके अलावा डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ऐप का यूज़ करें, ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, ओके। आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पीछे इसमें है 13.6 mm का डायनेमिक बेस ड्राइवर, जो कि इसको बढ़ा दिया गया है, बड़ा कर दिया ड्राइवर को, पहले छोटा हो गया था। उसके बाद 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो इफेक्ट, स्पाशियल या स्पेशल क्या पढ़ेंगे इसे, आई डोंट नो, अपने हिसाब से पढ़ लें। और इसके बाद इसमें 40 आवर्स का बैटरी लाइफ लिखा हुआ है, इसमें बैटरी बैकअप दिया 40 आवर्स का, जो कि बहुत बढ़िया है। अभी तक के ईयरफोन्स में देखिए, ये ईयरफोन्स हैं वन प्लस के, ये एक प्रीमियम क्वालिटी के ईयरफोन्स हैं, और ये रियलमी के ईयरफोन्स हैं, ये भी प्रीमियम क्वालिटी के ईयरफोन्स में ही आते हैं। ये प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं ओप्पो, वन प्लस और रियलमी भी कुछ प्रीमियम बनाता है, कुछ चीप भी बनाता है। तो ये जो इनके प्रीमियम वाले ईयरफोन्स होते हैं, नेक बैंड्स होते हैं, इनमें ये इतनी बैटरी बैकअप नहीं देते हैं, लेकिन अब रियलमी ने ये बाउंडेशन तोड़ दिया और 40 आवर्स का बैटरी लाइफ दिया है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा बैटरी चाहिए और ईयर और फीचर्स चाहिए, तो आपको सारे फीचर्स बोट भी दे रहा है, लेकिन मुझे बोट पे कुछ क्वालिटी पे मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हमेशा से रहता है, इसलिए मैं बोट को इतना प्रेफर नहीं करता। हाँ, अगर आपके पास बजट टाइट है तो बोट आपके लिए बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। अगर आपका बजट बहुत टाइट है, आपको मतलब 1000-1200 इतना बजट जा रहा है, फिर बिलो 1000 है, तो आप बोट या फिर पीट्रॉन जैसी कंपनियों पे जा सकते हैं, बुरी नहीं है। इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी है, साथ इसमें गूगल फास्ट पेयर है, किसी काम का नहीं है, वो नॉर्मली पेयर भी फास्ट ही होता है। और साथ में ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी, जो कि अभी की लेटेस्ट है और सबसे कम बैटरी कंज्यूम करती है। तो देखिए, बॉक्स के अंदर आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ईयरफोन मिलेंगे,
ये मिलेंगे, ये प्लग्स जो होते हैं एक्स्ट्रा, और आपको ये मिलेगी बुक। जी हाँ, कहाँ गई, ये रही, ये देखिए ये वाली आपको बुक मिलेगी। इसमें क्या है, रकून बना है, क्या बना है, आई डोंट नो, तो हाई रियल में लिखा हुआ है इसमें। तो ये बुक के लिए हम देख लेते हैं। हाँ, बुक के अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ईयरफोन्स है इसको चार्ज करने के लिए इसमें केबल नहीं दी गई है। केबल नहीं दी गई है इसलिए इससे इसका एक ये ड्रॉबैक भी है, ठीक है। ड्रॉबैक मैं क्यों कहूँ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अपना 60 वाट का चार्जर, अपना 100 वाट का चार्जर, या फिर 30 वाट का भी चार्जर अगर आपके पास, आप वो डायरेक्ट लगा देते हैं इसके टाइप सी पोर्ट में, और वो इसकी बैटरी को कर देता है कुछ ही दिनों में ख़राब। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके पास पुरानी केबल रखी हुई है ईयरफोन की, तो उसका यूज़ कीजिए, या फिर आप 5 वोल्ट 1 एम्पियर जिसका आउटपुट हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब तो नहीं मिलते ऐसे चार्जर, पहले मिले करते थे। देखिए इसका इनपुट देखिए, 5 वोल्ट 1 एम्पियर जो इसका इनपुट है, तो आपके चार्जर का आउटपुट होना चाहिए 5 वोल्ट 1 एम्पियर जितना। तो आप वैसे चार्जर लें और कोई भी नई केबल लगाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अपना खुद का चार्जर जो है, जो 60 वाट का चार्जर लगा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको जो ईयरफोन क्या हेडफोन का जो छोटी वाली केबल आती है, नन्नी मुन्नी सी केबल आती है, उसका ही आपको यूज़ करना है। जैसे मेरे पास वन प्लस की पुरानी केबल रखी थी, तो मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई पुरानी केबल है, तो उसी का यूज़ कीजिए, फॉर गॉड सेक, फॉर ईयरफोन सेक प्लीज़, क्योंकि ये ईयरफोन ख़राब कर देंगे, आपके ईयरफोन बेकार हो जाएंगे, और आप फिर बोलेंगे कि ये ब्रांड ने ऐसा किया वैसा किया। नहीं, ब्रांड एक साल की वारंटी दे रही है आपको इसमें, अगर कुछ इंटरनल डैमेज होता है तो आप इसको रिप्लेस करवा सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से इसको ख़राब मत कीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी अब इसकी बुकलेट पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा इसका जूम करके वीडियो को आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऐसे ही देख लीजिए। तो इसमें कुछ खास फंक्शंस आपको स्पेशल कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको स्पेशल जो चीज़ें वो मैं बता देता हूँ। ऑन ऑफ करने के लिए इसको जोड़ना होता है, जोड़ के निकालना होता है, बस सबको पता है ये मैग्नेटिक वाले हैं, मैग्नेटिक से ऑन होता है, ऑफ होता है। इसमें ऑन ऑफ कोई अलग से बटन नहीं दिया होता है। ब्लूटूथ पेयरिंग करने के लिए 4 सेकंड के लिए दबाएँ, और इसमें ब्लूटूथ ऑन कीजिए, अपने हिसाब से ईयर टिप्स लगाइए, ये चीज़ें बताई गई हैं इसमें। और क्या क्या बताया, मल्टी फंक्शन जो बटन है, जो बीच वाला बटन है इसका, ये मल्टी फंक्शन बटन है, ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला ये गोल गोल, तो ये मल्टी फंक्शन बटन है। इसमें आपको सिंगल टैप में क्या होगा, डबल टैप में क्या होगा, ट्रिपल टैप में नेक्स्ट होगा, प्रीवियस गाना होगा, डबल टैप में नेक्स्ट गाना होगा, ओके, प्रेस एंड होल्ड फॉर फर्दर पेयरिंग मोड में ये चला जाएगा, सब कुछ इसी से होगा, अभी के लिए सही है, ठीक है, सारी चीज़ें फंक्शनलिटी यही करता है। तो ये बटन किस काम आता है भाई, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वाला बटन किस काम आता है। ये वाला बटन काम आता है नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन ऑफ करने के लिए। इस डिवाइस इज़ बीइंग चार्ज, जब चार्ज होती है डिवाइस तो ग्रीन लाइट ब्लिंक होती है। अगर चार्ज पूरा हो जाता है, मेरे हिसाब से चार्ज पूरा होता है, शायद या तो बंद हो जाएगी या तो कंटिन्यूस ग्रीन लाइट जलेगी। वो जब आप यूज़ करेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद सिंगल टैप में स्विच बिटवीन नॉइज़ कैंसिलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड, इस बटन का यही यूज़ है कि नॉइज़ कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच करता है सिंगल टैप करने पर। प्रेस होल्ड फॉर 2 सेकंड, एंटर एग्जिट गेम मोड, ये कुछ इनका कुछ लो लेटेंसी वाला कुछ सिस्टम है, तो गेम मोड में जाने के लिए क्या पता नहीं क्यों देते हैं, नए नए जबरन की फीचर डाल दिए, किसी काम के नहीं है, तो ये गेम मोड में चला जाता है, ठीक है, जो बहुत पबजी खेलते हैं वो लोग जाना है। और इसको 5 टाइम्स प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे तो ये रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग में चलाएगा। ये भी देखो आपको देखने के लिए चीज़ मिल गई है कि इसी बटन से आपको फैक्ट्री रीसेट करना होगा, कभी अगर आपका ईयरफोन कनेक्ट नहीं होता है, कोई दिक्कत आती है, तो अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी है तो आप अवेयर होंगे इस चीज़ से कि फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है। उसके बाद ये जो वॉल्यूम बटन, इनको सिंगल टैप करेंगे तो ये वहाँ कम ज़्यादा वॉल्यूम होंगे। और प्रेस एंड होल्ड फॉर 2 सेकंड, हाँ इसका कुछ अजीब सा फीचर है, इसको होल्ड करके मत रखिएगा, वरना ये धीरे धीरे 5-5 सेकंड के लिए, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ऑडियो को बढ़ाएगा या फिर ऑडियो को 5-5 सेकंड के लिए कम करेगा। क्या लिखा है, प्रेस एंड होल्ड फॉर 2 सेकंड्स वॉल्यूम बटन का अगर आप चर्चा करते हैं तो प्लस माइनस इंक्रीमेंटेड बाय 1 लेवल एवरी 0.5 सेकंड्स। ये कुछ अजीब सा फीचर है, मुझे सही नहीं लगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला पागल हो जाएगा, बोलेगा अपने आप आवाज़ क्यों बढ़ रही है। तो इसलिए आपको टैप कर करके इस आवाज़ कम ज़्यादा कीजिएगा, होल्ड मत कीजिएगा। बाकी इसके रियलमी लिंक ऐप में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नॉइज़ कंट्रोल से लेकर ट्रांसपेरेंसी मोड, जो भी है मोड स्विचिंग। देखिए ज़्यादातर चीज़ें आपको जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, बस आपको यहाँ पर टच करना है, यहाँ पर टच करके आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उसमें कुछ भी आपको अलग नहीं मिलेगा ऐप में। चाहे तो मैं ऐप पर दिखा दूँगा अगर टाइम मिलता है तो। ओके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड पैकेजिंग, ये बहुत ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए। ईयरफोन एक है, ठीक है, ईयर टिप्स भी 6 हैं, और यूज़र गाइड एंड वारंटी कार्ड एक है, तो इसको आपने संभाल के रखिएगा। 5 वोल्ट 1 एम्पियर का आउटपुट आपके चार्जर में रहेगा, या फिर बता ही दिया था मैंने केबल का, और बाकी इसमें मॉडल का नंबर लिखा हुआ है फलाने फलाना। तो वारंटी के लिए आपको क्लेम करना होगा तो आपको पूरा ब्लॉक्स लेने की जरूरत नहीं, आप इसको भी ले सकते हैं, वारंटी कार्ड भी है, यही है, अपना ईयरफोन ले जाएं और अपना बिल ज़रूर ले जाएं, तो आपकी वारंटी क्लेम हो जाएगी। बाकी साउंड क्वालिटी की मैं बात करूँ, साउंड क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, एकदम बेस्ट 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 कैसे कह सकता हूँ मैं, क्योंकि अभी तो ये लॉन्च हुए हैं,
साउंड क्वालिटी देखिए, ज़्यादा मैं टेस्टिंग नहीं करता क्योंकि साउंड क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए कोई दूसरा ईयरफोन होना चाहिए। तो आप अगर आप मेरी माने तो ये जो वन प्लस के थे हमारे जेड टू थे उतनी ही आप साउंड क्वालिटी इसमें देखिए, बस इसमें थोड़े से अलग थोड़े फीचर इसकी ऐप की वजह से बढ़ाते हैं। तो एक बार मैं ऐप से किसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके ऐप में क्या क्या फंक्शनलिटी है और वीडियो को करते हैं दी एंड। तो देखिए हम सीधा प्ले स्टोर पर जाते हैं, रियल पी लिंक की ऐप डाउनलोड करते हैं। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप पेयरिंग कर रहे हो ना तो उस टाइम पे इसका मैग्नेट हटा के पेयरिंग करना, वरना ये पेयर नहीं होगा। मतलब बता रहा हूँ मैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसा। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं, हो जाए इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे। हाँ बहुत वायरस है इसमें, चलो ओपन करो। ओके एग्री एंड कंटिन्यू। हाँ इंडिया सबको पता है। ओके गॉट इट। ओके लिंक डिवाइस, एग्री एंड कंटिन्यू। चलिए मैं अपने अकाउंट के थोड़ी डिटेल डाल दूँ आपको बिना बताए। तो जी हाँ मैंने ये ऐप इंस्टॉल कर ली है इस ऐप में, बाकी जो रियल की बाकी चीज़ें उनको भी कंट्रोल किया सकता है। तो मेरे पास रियल में बड वायरलेस 3 है, तो मैं इसमें जाता हूँ, एग्री करता हूँ, और एग्री करना ही पड़ेगा, नहीं करूँगा तो कैसे करूँगा। देखिए इसमें नॉइज़ कैंसलेशन आपको यहीं से मिल जाएगा, मोस्टली कोई नहीं करेगा। ऑफ़ रखिएगा, बैटरी बचेगी, ठीक है अभी तो 100% बैटरी। ट्रांसपेरेंसी मोड में क्या होगा कि जो आपकी बाहर का जो बैकग्राउंड है वो आपको सुनाई देने लगेगा ईयरफोन लगाते साथ ही, मतलब माइक एक्टिवेट हो जाएगा, बाहर की साउंड भी सुनाई देने लगेगी आपको, बस यही रहता है इसमें। और साउंड इफेक्ट क्लियर बेस है, ठीक है क्लियर वोकल्स है, नेचुरल बैलेंस है और बेस्ट वूज है चारों चीज़ें। और इक्वलाइजर, कस्टम इक्वलाइजर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये ठीक है अच्छी बात है दिया है तो। जिसमें स्पेशल ऑडियो ये जो है, स्पाशियल ऑडियो जो है, इमर्सिव साउंड फलाना ढमकाना है, अब इसको लिसन करो सुनो, मतलब टेस्टिंग वाले फीचर्स हैं, आपको टेस्ट करके ही समझ में आएंगे कि भैया क्या चीज़ें। डायनमिक बेस में अब बेस ढूंढ ना चाह कुछ तो होगा। वॉल्यूम इनहेंसर में फर्दर इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ऑडियो डिवाइस, ओके कर दीजिए। कनेक्ट टू डिवाइस सेम टाइम, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए दो डिवाइस सेम टाइम पे, ठीक है। फाइंड माय फोन, व्हाट इज दिस। ओके व्हेन योर हैंडसेट इज कनेक्टेड टू योर फोन प्रेस द मल्टीफंक्शन बटन 4 times कंटिन्यूअसली टू फाइंड योर फोन, योर फोन विल स्टार्ट टू रिंग। ओके दिस इज़ वेरी गुड फीचर, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा ईयरफोन ही घूमता है, जो ईयरफोन हेडफोन वही घूमता है और हमारा फ़ोन हमारे हाथ में रहता है। तो नहीं मैं इसको नहीं करने वाला। और जेस्चरस ऑप्शन है मल्टीफंक्शन, ये देखिए आपको जो मैंने दिखाया था ऐप में वो चीज़ें आपको सारी यहाँ पर मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा इसमें कुछ चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। हो सकता है इसमें फ्यूचर में अपडेट भी आए, ठीक है ईयरफोन में, तो लगाते रहिए चलते रहिए। और हमें प्राइस बताना भूल गया, इसका प्राइस है 1799 rupees। अभी शायद आपको ऑफर में करेंगे तो 100-200 rupees कम और भी मिल जाएगा दिवाली तक में। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड फॉर दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सो जब तक हम दोबारा नहीं मिलते तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टाटा सायोनारा, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।